नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल का मकसद केवल और केवल यह है कि सेहत के प्रति जागरूकता को फैलाना, लोगों तक इस बात को लेकर जाना कि कैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, कैसे हम दवाओं के जंजाल से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी उनसे विनती है कि आप दूसरे और लोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि हम लोग मिलकर लोगों को एक अच्छी सेहत देने का यत्न कर पाए। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल जिसके बारे में बहुत बड़ा डर हम लोगों में पाया जाता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा तो आपको दिल की बीमारी हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट अटैक होने की संभावना हो जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप राय जी की एक किताब है, हाई कोलेस्ट्रॉल ए मेडिकल फ्रॉड। ये किताब हमारे डायबिटीज एजुकेटर की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो इसी किताब में से कुछ तथ्य मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत को समझाने के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि एक अंडा, मुर्गी का हो या किसी भी पक्षी का अंडा हो, जिसमें से अगर उस अंडे को एक विशेष टेम्परेचर में कुछ समय तक रखा जाता है तो उसमें से एक बच्चा जन्म लेता है। अगर आप उस अंडे को लेबोरेटरी में लेके जाएं और पता करने की कोशिश करें कि सबसे अधिक इसमें से क्या ऐसी चीज है जो एक बच्चे में तब्दील होती है, एक लाइफ में तब्दील होती है, तो आपको जवाब मिलेगा कि वो है कोलेस्ट्रॉल। एक अंडे में 62% कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी तो उसमें से नया जीवन नहीं हो सकता। हम इंसानों में भी नया जीवन पैदा करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए हाई कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत जरूरी है। इतना महत्वपूर्ण है ये कोलेस्ट्रॉल, जिसे हमें डराकर, इसको एक बीमारी बताकर लगातार हमें दवाएं खाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो क्या सचमुच हाई कोलेस्ट्रॉल एक बीमारी है? कोलेस्ट्रॉल का हाई होना क्या सचमुच हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अलग अलग रिसर्च, अलग अलग ट्रायल्स से पता चलता है कि हमारे हार्ट अटैक के लिए या ब्लॉकेज के लिए कोलेस्ट्रॉल किसी तरह भी जिम्मेदार नहीं होता। आप कोलेस्ट्रॉल की अहमियत इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो खुद अपने इस्तेमाल के लिए खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे दिमाग के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है। हमारा दिमाग जो हमारे शरीर का 1-2% वजन होता है हमारी बॉडी का, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो 25% टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी का होता है उसका 25% हमारा ब्रेन इस्तेमाल, दिमाग इस्तेमाल करता है। तो इतना जरूरी है कोलेस्ट्रॉल का होना। अगर कोलेस्ट्रॉल लो होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल किसी औरत में कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो उस औरत को गर्भधारण में मुश्किल पेश आती है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको कम करने के लिए जो आजकल चल रहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया जाता है, हाई बताया जाता है, एक निश्चित लेवल से अगर वो अधिक होता है तो आपको एक दवा दी जाती है जिसको स्टेटिन बोलते हैं, अटोरवास्टेटिन, अवास्टेटिन, हर वो दवाई जिसके पीछे स्टेटिन लगा है, स्टेटिन लगा है, उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दिया जाता है।
तो स्टैटिन के बारे में FDA ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की है, उसने इसको एक्स कैटेगरी में डाला है। एक्स कैटेगरी का मतलब यह है कि अगर कोई मर्द बाप बनना चाहता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ना दी जाए, अगर कोई औरत मां बनना चाहती है तो उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ना दी जाए, अगर कोई व्यक्ति कोई मर्द लगातार कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा स्टैटिन का इस्तेमाल करता है तो उसके मर्द बनने बाप बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इसी तरह अगर कोई औरत कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन जो दवाई है इसका इस्तेमाल लगातार करती है, अधिक मात्रा में लंबा समय तक करती है, तो उसके मां बनने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। यही खत्म नहीं होती कहानी। स्टैटिन के बारे में बहुत सी ट्रायल्स हैं। केयर ट्रायल है एक जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 1996 में उसकी रिपोर्ट छपी है, उसमें बताया है कि स्टैटिन का इस्तेमाल जो है लगातार करने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 11 गुना बढ़ जाते हैं। 11% नहीं, 11 गुना। औरतों में अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन जो दवाई है इसका इस्तेमाल लगातार किया जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर, छाती का जो कैंसर है, उसके चांसेस 11 गुना बढ़ जाते हैं। तो FDA ने 2012 में, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो US की है, उसने 2012 में एक वार्निंग जारी की है कि स्टैटिन जो है वो डायबिटीज का कारण बनती है, मसल डैमेज का कारण बनती है और मेमोरी लॉस का कारण बनती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रेन बहुत बड़ा हिस्सा कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करता है, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा लगातार खाई जाती है तो ब्रेन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और मेमोरी लॉस होने का, याददाश्त चली जाने का खतरा लगातार बना रहता है। तो क्या किया जाए? पहली बात कि कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाने की, कोई ऐसा टेस्ट करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे डायबिटीज के बारे में शुगर के पैरामीटर को, लेवल को लगातार नीचे लेकर आया गया, वैसे ही किसी समय ये कहा जाता था कि कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाना चाहिए जो 300 से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको कम किया गया कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से कम होना चाहिए और इसके साथ एक LDL का टेस्ट करना होगा जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। उसके बाद फिर नई बात आई कि एक HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, उसको भी चेक किया जाना चाहिए, उसका भी लेवल जो है वो इससे नीचे होना चाहिए। तो उसके बाद एक चीज और जोड़ दी गई जिसको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, तो उसको भी चेक किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस बात से समझ आती है कि जब टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 तक था तब बहुत कम लोग जो है कोलेस्ट्रॉल की दवाई इस्तेमाल करते थे, जब उसमें LDL को जोड़ दिया गया और 240 उसकी लिमिट कर दी गई, तब टोटल आबादी दुनिया की उसका 10% लोग जो है वो दवा खाने लग गए। जब उसमें HDL को भी ऐड कर दिया गया तो उनकी परसेंटेज और बढ़ गई, और जब ट्राइग्लिसराइड को उसमें ऐड कर दिया गया तो लगभग 48% लोग जो है, 40 साल के ऊपर जो 48% लोग हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने के लिए बोल दिया गया। तो उसमें समझ आने वाली बात यही है कि कैसे दवा बनाने वाली कंपनियां केवल अपनी दवा की सेल के लिए, बिक्री के लिए किस तरह हम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं, इससे अच्छी उदाहरण आपको और कोई नहीं मिल सकता। करना क्या चाहिए? दोस्तों, टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कभी भी हार्ट की, दिल की बीमारी का कारण नहीं बनता। कोलेस्ट्रॉल हाई होने से हमारे शरीर को कोई ज्यादा खतरा नहीं होता, और अगर हाई है भी तो कोलेस्ट्रॉल, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, कि कुदरत ने केवल एनिमल्स को ये ताकत दी है कोलेस्ट्रॉल बनाने की।
प्लांट्स को, पौधों को कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत कुदरत ने नहीं दी है, क्योंकि हम ह्यूमन, मनुष्य भी एनिमल ही हैं, हम भी एक जीव हैं, तो हमारा शरीर भी अपनी जरूरत का कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो दवाओं के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कितने नुकसान हैं इन दवाओं के। तो एक ही तरीका, बहुत सिंपल इजी तरीका है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अधिक है, आप उसको कम करना चाहते हैं, तो आप एनिमल फूड बंद कर दीजिए, मांस, मछली और दूध, दूध और दूध से बने पदार्थ, उनको खाना बंद कर देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका शरीर अपने आप ही मेंटेन कर लेगा। जितनी जरूरत है उतना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद ही बना लेगी। विषय बहुत लंबा है, और अधिक जानकारियां आप चाहते हैं तो ये किताब आप डॉक्टर विश्वरूप राय जी की वेबसाइट पे जाके इस किताब को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर आप ई बुक चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसकी ई बुक भेजने की कोशिश करूंगा। तो और ज़्यादा लंबी इस वीडियो को न करते हुए, आप एक बात को समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। इसको चेक करवाने की, टेस्ट करवाने की, या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं बिल्कुल ना खाएं। और जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157, 92562-13-157, पंजाबी में 92562-13-157 मेरा मोबाइल नंबर है। तुम मैं कॉल कर सकते हो, होर जानकारी लेना चाहते हो, आपके कोई सवाल हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी है, किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशन है आपको, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी फेल्यूर है, या ब्लॉकेज है, या कैंसर है, एड्स है, आप संपर्क कर सकते हैं। डीआईपी डाइट, इस तरह का एक करिश्मा है डीआईपी डाइट से हर तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ, दूसरे लोगों की मदद करें कि वो कोलेस्ट्रॉल की दवाएँ खाना बंद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।